बंदर है ना। मम्मा को बता दो, मम्मा को बता दो, बता दो, कह दो बंदर, दिखा दो, कह दो ये इतनी ढेर सारी बंदर, अली बाप ले। शिप ये बंदर है ना, बुला लो बंदर को, आ जाओ, बुलाओ बंदर को, आ जाओ। रघुकुल रीत सदा चली आई। अयोध्या और उनके राम इस समय समूचे विश्व में चर्चा के केंद्र बिंदु हैं। हर कोई अयोध्या और श्री रामचंद्र जी की बातें कर रहा है। ऐसे में हम लोग अपने ब्लॉग के माध्यम से उनके बारे में कुछ बातें क्यों ना कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही चैनल अवध का आलोक पर। आज मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूं अयोध्या के एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही रमणीय, साथ ही साथ बहुत ही पूज्य और पवित्र तीर्थस्थल सूर्यकुंड पर। सूर्यकुंड, जिसके बारे में पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जब श्री रामचंद्र जी का दोबारा से राज्याभिषेक होने वाला था, तब माता कौशल्या बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी कि कहीं फिर से कोई विघ्न ना पड़ जाए, फिर से कहीं कोई बाधा ना आ जाए। और अंत में उन्होंने सूर्यदेव का ध्यान किया। सूर्यदेव स्वयं अपने घोड़ों के रथ पर सवार होकर उस समय अयोध्या आए और उसके बाद उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कराया। इस तरीके से यहाँ पर आकर जिस स्थान पर सूर्यदेव रुके हुए थे, उस स्थान पर ही सूर्यकुंड नामक यह पवित्र मंदिर स्थित है। जब श्री रामचंद्र जी को उनका भव्य महल मिलने वाला है, तो फिर उसी के साथ साथ सूर्यदेव के इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ। मंदिर पहले से कहीं ज़्यादा भव्य है। यहाँ का कुंड अपने आप में बहुत ही अनुपम और बहुत ही अद्वितीय दिखाई पड़ता है। वर्तमान की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस मंदिर का सौंदर्यीकरण, इसके प्रांगण का सौंदर्यीकरण, साथ ही साथ जीर्णोद्धार कराया गया। अब मंदिर पहले से कहीं ज़्यादा भव्य दिखाई देता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या में भी भारी इजाफा हुआ है। शाम के समय यहाँ पर आरती और आरती के साथ साथ लेजर शो का आयोजन किया जाता है। और लेजर शो एक तरीके का वो आकर्षण है जो यहाँ पर लोगों को आने के लिए बाध्य करता है। शाम के समय जब यहाँ पर इस तरीके से ये लाइटें जलती हैं, तो मंदिर बहुत ही भव्य लगता है। यहाँ का प्रांगण देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। हमको डरा दो। जो लोग यहाँ के निवासी होंगे या इसके पहले सूर्यकुंड आए होंगे, तो उन लोगों को पुराने और नए सूर्यकुंड में बहुत ही अंतर दिखाई देगा। शिव, बेटा क्या कर रहे हो? सीधा ना मारो, ना मारो। वो गिरा दिया, लाइट ये गिरा दिया। उनके साथ ही सेल्फी लेते तो एकदम बगन हो गई। उसमें लद के बैठ गए एकदम। देखो ऐसे ऐसे तो लोग हैं दुनिया में, ऐसे ऐसे लोग हैं, कितनी खूबसूरत जगह को बेकार करने में लगे हुए। अरे यार क्यों मार रहे हो? जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों का दर्शन इत्यादि हो चुका है, मंदिर का गर्भगृह भी मैंने आप लोगों को दिखाया, और अब बारी थी इस भव्य लेजर शो की, जिसको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ आती है। हाँ, यहाँ पर जिस
कथा का चित्रण किया जाता है, उस कथा को लोग ध्यान में कम रखते हैं और इस लेजर शो की जो लाइटें होती हैं उनका आनंद ज़्यादा उठाते हैं, जबकि हमें इस चीज़ को देखना चाहिए, समझना चाहिए और इस कथा का अनुश्रवण कर उसे अपने जहन में रखना चाहिए। खैर, ये एक आकर्षण का बिंदु है, इसके बहाने ही सही कम से कम लोगों ने सूर्यकुंड को जाना, समझा और आज इसको महत्व मिल रहा है। आशा है इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इस दिव्य कुंड सूर्यकुंड के दर्शन के लिए अवश्य आएंगे। कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग, और अगर आप लोग कहेंगे कमेंट सेक्शन में तो फिर मैं एक विस्तार वीडियो इस लेजर शो का डाल दूंगा, वरना कोई मतलब नहीं है, आप आकर सदृश इस चीज़ को देखिएगा। लगभग 7:15 से 7:30 के बीच में ये लेजर शो शुरू होता है और 20 से 25 मिनट का ही ये लेजर शो होता है, और आप आइए, आरती देखिए, लेजर शो का आनंद उठाइए। इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, मिलते हैं आप लोगों से किसी नए वीडियो में किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री सूर्यदेव, जय श्री राम।